नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक अकाउंट में लगा हुआ होल्ड कैसे हटवाएं, यानी कि निष्क्रिय अकाउंट को सक्रिय कैसे कराएं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अकाउंट निष्क्रिय आखिर होता क्यों है और उसमें होल्ड क्यों लग जाता है। देखिए, जब आप अपने अकाउंट में 3 से 4 महीने तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है, यानी कि निष्क्रिय कर दिया जाता है। आप एटीएम द्वारा या आधार द्वारा कहीं भी रुपए नहीं निकाल सकते। तो अगर आपका भी अकाउंट निष्क्रिय हो गया है और आपने 3 से 4 महीने तक कोई लेन देन बैंक में नहीं किया है और उस अकाउंट को आप सक्रिय कराना चाहते हैं, दोबारा चालू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एक KYC फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिलअप करना है और एक जमा बाउचर आपको दिया जाएगा जिसमें आपको मिनिमम अमाउंट 100 रुपये जमा करना पड़ेगा और उसके साथ में आपके बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वहां पे लिया जाएगा। तो उसको आपको बैंक में जमा कर देना है और आपका जो अकाउंट है वो 24 घंटे के अंदर सक्रिय कर दिया जाएगा, यानी कि चालू कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि बैंक अकाउंट सक्रिय करने के लिए फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा, जो बैंक की तरफ से आपको फॉर्म दिया जाएगा उसको आपको कैसे फिलअप करना है और कैसे बैंक में जमा करना है, सारी जानकारी चलिए हम आपको दिखाते हैं। और आपको अपना बैंक अकाउंट दोबारा सक्रिय कराने के लिए यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा बैंक की तरफ से, तो इसको कैसे फिलअप करना है चलिए हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना डेट डालना है, किस तारीख को आप बैंक में इस फॉर्म को जमा कर रहे हैं, यानी कि अपना दोबारा अकाउंट ओपन कराने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे आना है, बचत कृषि कार्ड संख्या मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना बचत अकाउंट नंबर जो है वो आपको डाल देना है। उसके बाद में नीचे दिए गए क्रमांक संख्या के अनुसार सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें, तो यहाँ पे आपको आना है 6 नंबर पे। आप देख सकते हैं मेरा उक्त खाता निष्क्रिय हो गया है, सक्रिय करने का कष्ट करें, तो ये 6 नंबर पे है, तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है 6 नंबर पे और उसके बाद में यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। कुछ नहीं करना है, बस नीचे आपको आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हस्ताक्षर, तो आपने जो साइन अपना अकाउंट ओपन कराते समय दिया था वही साइन आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद नीचे आना है पिता पति का नाम जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में ग्राम का नाम पूछा जा रहा है, तो अगर आपके बाजार में है तो आपको अपने एरिया का नाम लिखना है, अगर गांव में है आप तो आपको अपना ग्राम यहाँ पे डाल देना है। तो ये फॉर्म जो आपका है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक फॉर्म आपको और दिया जाएगा जिसमें आपको 100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, तो उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं। और ये है जो बाउचर देख रहे हैं आप, जमा बाउचर है, तो इसको आपको कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर शाखा डालना है, जो भी आपके बैंक ब्रांच का शाखा लगता है आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट डाल देना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर आपको फिलअप करना है, उसके बाद में आपका जो भी नाम है आपको नाम यहाँ पे डाल देना है। नीचे यहाँ पे राशि पूछी जा रही है, तो आपका जो भी रुपये आप जमा करना चाहते हैं, जैसे 100 रुपये तुमने यहाँ पे लिख दिया 100 रुपये, नीचे आएंगे तो आपको अंक शब्दों में लिख देना है 100 रुपये मात्र। उसके बाद में आपको यहाँ पे नोट मांगा जा रहा है, कौन से नोट आपके पास जमा कर रहे हैं, तो हम 100 रुपये की एक नोट जमा कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे 1, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 100 और यहाँ से एक लाइनिंग मार देंगे क्योंकि और कुछ नहीं करना है हमें। नीचे आएंगे यहाँ पे नोट लिख देंगे 100 रुपये। उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर लिखना है शाखा अपना आपका जो लगता हो आपको डाल देना है, जैसे यहाँ पे है कर्नलगंज। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डाल देना है, नीचे आएंगे यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। नीचे आएंगे यहाँ पे अगर आप अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर और पता अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है, यानी कि शब्दों में आपको लिखना है 100 रुपये मात्र, और यहाँ पे आना है तो आपको एक साइन कर देना है, तो ये जो जमा बाउचर आपका है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको अपने बैंक में जमा कर देना है और आपका जो अकाउंट है वो 24 घंटे के अंदर चालू कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि बैंक में अगर कभी भी आप नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं करना है, तो आप अपना जो पासबुक है वो भी लेकर जाकर 1-2 बार आप महीने में चेक करवा सकते हैं, ताकि आपके जो अकाउंट में है उसमें होल्ड ना लगे। अब एक नया नियम आ गया है, अगर आप 3 से 4 महीने तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट में होल्ड लगा दिया जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट निष्क्रिय कर दिया जाएगा।